हेलो एवरीवन, टर्फ विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक पिकअप पायल शॉर्ट रीडिंग लेकर आई हूँ और यहाँ पर आपको दो क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। पहला पायल है पायल नंबर 1 येलो क्रिस्टल सोलर प्लेक्सस चक्रा। सेकंड पायल है पायल नंबर 2 ब्लू क्रिस्टल। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस कलर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं शुरू करती हूँ पाइल 1 से। देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जिन्होंने भी येलो क्रिस्टल चूज़ किया है, आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सन। ठीक है, सो जिन्होंने भी येलो कलर चूज़ किया है, देखिए आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच कर ही येलो कलर चूज़ किया होगा। आपको येलो कलर पसंद होगा या येलो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। और यहाँ येलो कलर सूर्य की एनर्जी को लेकर आया है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं और जो भी एक्शन होगा वो एक से 7 दिन के अंदर होगा, 1 से 8 दिन के अंदर। ओके, 1 to 8 डेज़ के अंदर आपकी तरफ ये एक्शन हो सकता है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजरी हैं। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा भी फील हुआ हो कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म होने वाला है या सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपने इंतज़ार करना नहीं छोड़ा है। फिर भी आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ वापस आए हैं। एवरी टाइम हो सकता है कि आप दोनों में बड़े से बड़ी बहस हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी, लेकिन इस रिलेशनशिप की जो नींव है वो बहुत सॉलिड है और इस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फैमिलियर बिहेव करते हैं। इन्हें ऐसा नहीं लगता कि आप इनके फ्रेंड हो या आप इनकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी फैमिली हो या आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी। आपसे दूर होने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकते, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। प्लस अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो सन का कार्ड यहाँ रीयूनियन को दिखा रहा है। बहुत सारे मैरिड कपल्स अगर सेपरेशन में हैं तो यहाँ पर रीयूनियन पॉसिबल है। आपके पर्सन का सिंपल मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसका डट के सामना करना है और ये हमेशा आपके साथ हैं। ये लौट कर वापस ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में। आपको बैलेंस में रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करनी है। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है, कुछ लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके और आपके पर्सन के बीच में, बट फैमिली की तरफ से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पर्सन उस प्रॉब्लम को बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं फॉर पाइल नंबर 1। होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। 2 मोर कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 43। फाइन, सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि बहुत ही डीप बॉन्ड है, कुछ ना कुछ आपके साथ पिछले जन्म से रिलेटेड रिश्ता है, डेस्टिनी है आपके साथ इनकी। इनका और आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। यहाँ पर नॉलेज, विजडम, ज्ञान, ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में आने के बाद से। आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। एंड वी हैव एंजल नंबर 33। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो सकता है आपके पर्सन के आने के बाद आपकी कुछ चीज़ें अनलॉक हुई हों, कोई मिस्ट्री अनलॉक हुई हो, आपको ऐसा लगा हो कि ओह ये ऐसी बात है, इसलिए ऐसा हो रहा था, ओके तो हमारा इस तरह का रिलेशनशिप है, इसलिए इस तरह की चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही थी, या इसलिए मैं डिवाइन से इतनी अलाइनमेंट में आ रही थी, या इसलिए मेरी अवेकनिंग हुई। तो इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक हो रही हो। वैसे आपके पर्सन आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि जैसे आपके लाइफ में धीरे धीरे अवेकनिंग हो रही है, इनके लाइफ में भी इनको धीरे धीरे नॉलेज, विजडम, ये जिस भूल भुलैया में थे, जिस भी अंधेर गुम में, बिल्कुल कहते ना कि इंसान को कुछ भी नहीं पता था, तो धीरे धीरे इनको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करती हैं या करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके दिल की चाबी, इनके दिमाग की और दिल की चाबी आपके पास है। आप सब कुछ जान जाते हो इनके बारे में, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये आगे क्या बोलने वाले हैं, ये आगे क्या बता सकते हैं, किस तरह की एनर्जी में है, ये सब इनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार बिना बोले ही आप सब चीज़ें जान जाते हो। ये एक समटाइम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबली 3 to 7 days के अंदर, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस रीडिंग को देखने के बाद 3 to 7 days के अंदर आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा जेस्चर या कुछ ना कुछ उनकी स्टोरी, उनके स्टेटस से आपको ऐसी मैसेजेस या गाइडेंस मिलेगी जो कि आपको ये बात श्योर कर देगी कि उनके साथ आपका कुछ ना कुछ डिवाइन बॉन्ड है या डिवाइन कनेक्शन है। सो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।